दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा मैप में। वो विवाद की जड़ जिस पर चीन जापान आज लड़ने को तैयार हो गए हैं। जी हाँ, जापान और चीन ने अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं। तो क्या है वो, देखते हैं स्क्रीन पर। तो यह है सेनकाकू आइलैंड, जी हाँ, जिन पर चीन और जापान में आज इतनी ज़्यादा भिड़ंत है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसके मायने हैं। तो देखिए, ये सेनकाकू आइलैंड है ना, इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, खास करके जापान की नेवी के लिए, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जापान आसानी से यहाँ से चीन की पूरी ईस्टर्न पॉपुलेशन को, क्योंकि ज़्यादातर जो इनके चीन की पॉपुलेशन है वो इसी ईस्ट साइड रहती है, और यहाँ से आसानी से जापानी नौसेना अमेरिका के साथ मिलकर टारगेट कर सकती है पूरे चीन को, और साथ ही ताइवान को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकती है। ये काफ़ी क्लोज है, क्योंकि जो मेनलैंड जापान है ना, आप देखिए कितना दूर है चीन से, और बीच में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और पड़ते हैं जहाँ से चीन को टारगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन सेनकाकू आइलैंड से बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छी तरीके से चीन को ना सिर्फ कंटेन किया जा सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा हिट भी किया जा सकता है। और जो बाद के जो आइलैंड हैं, आप देख सकते हैं, जो दूसरे आइलैंड हैं उनको भी एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एक बार सेनकाकू आइलैंड हाथ से गए तो जापान के जो पिछले आइलैंड हैं ना, मैं आपको दिखाए, वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। और आप देखिए, जो इनकी ईस्टर्न पॉपुलेशन है ना चीन की, स्क्रीन पर देखिए आप ज़रा, वो ज़्यादातर इसी एरिया में रहती है। देखिए कितनी हाई पॉपुलेशन, जबकि भारत वाली साइड इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते। इसलिए सेनकाकू आइलैंड चीन चाहता है, और चीन बहुत ही डेस्परेटली चाहता है सेनकाकू आइलैंड को हथियाना किसी भी कीमत पर। कारण उसका ये है कि ये आइलैंड बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं जापान को चीन के खिलाफ, और ना सिर्फ जापान को बल्कि अमेरिका को भी। यहाँ से चीन पर ना सिर्फ निगरानी रखी जा सकती है, पूरा ईस्ट कोस्ट यहाँ से टारगेट किया भी जा सकता है आसानी से, चीन की मेजोरिटी पॉपुलेशन को, और चीन के जो मेजर जो बंदरगाह हैं वो भी इसी साइड पड़ते हैं, जिससे कि उन्हें भी तबाह आसानी से किया जा सकता है युद्ध के समय भी। और इसके अलावा एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ताइवान पर नज़र रखी जा सकती है, कि अगर मान लीजिए कभी चीन ताइवान को इन्वेड करता है तो यही आइलैंड सबसे क्लोज पड़ते हैं ताइवान के, जो मतलब कि जिस पर अमेरिका और जापान दोनों मिलकर ताइवान को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेटजिक एडवांटेज देता है जापान को। और आपको बता दूं कि इस पर अब लड़ाई क्यों बज रही है। लड़ाई इसलिए बजी है क्योंकि जापान, पहली बात तो चीन ने कहा है कि वो इन आइलैंड को लेकर रहेगा। जी हाँ, कल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कल बयान जारी किया, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं चीन के, हम इन्हें लेकर रहेंगे, साथ ही इन आइलैंड पर चीनी कानून लागू करवा कर रहेंगे। इसके बदले में जापान ने कहा है कि वो किसी भी हालत में अगर चीन कोई भी एग्रेशन करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जापान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरे एक्टिव कर दिए हैं, और इतना ही नहीं, हथियार मतलब कि जो जितने भी उनके हथियार हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ तैनात कर दिए हैं, जिससे कि चीन की अगर इन्हें इन्वेड करने की कोशिश करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और आपको बता दूं कि ये ना बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है, मतलब कि चीन जैसे 2016 में किया था, 2016 में जैसे उसने डोकलाम में किया था ना, फिर डोकलाम के बाद उसने जापान के साथ एग्रेशन किया था, जैसे कि अभी उन्होंने हमारे साथ गलवान में उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है, उसके बाद अब वो जापान को थ्रेटन उसी पैटर्न में कर रहे हैं। कैसे, 2016 में डोकलाम के तुरंत बाद जापान और चीन में तनाव इतना बढ़ गया था, और एकदम लग रहा था उस समय तो कि चीन इन्हें हथिया लेगा, लेकिन जापान ने क्या किया था कि अपने बहुत सारे नागरिकों को, जो क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही निर्जन है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, तो यहाँ पर रहने के लिए भेज दिया था, कि अगर मान लीजिए कभी चीन इन्हें इन्वेड करता है तो जापानी नागरिक एक शील्ड की तरह काम करने वाले हैं, जिससे कि जो दावा है जापान का इन आइलैंड पर वो भी पुख्ता हो जाएगा। तो ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर गेम चल रहा है जापान और चीन के बीच में, और इतना ही नहीं, अमेरिका भी इसे बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है, और भारत भी, क्योंकि चीन ने लिटरली पूरे के पूरे एशिया को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा होकर दिया है। भारत के साथ लड़ाई कर दी है, फिलीपींस के साथ, जापान के साथ, उधर वियतनाम के साथ भिड़ने को तैयार है, उनकी बोट्स डुबा दी है, तो ऑलमोस्ट सभी मेजर कंट्री के साथ वो भिड़ने को तैयार बैठे। और मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस समझा दिया है सेनकाकू आइलैंड का मैप में, और इन्हीं को लेकर दोनों देश में भिड़ंत की पूरी आसार भी हैं। आगे इस मामले पर आज आप जरूर नज़र रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप इस मामले पर नज़र रख सकें। इसके अलावा दूसरे चैनल पर मैंने एक S400 पर वीडियो बनाई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका थंबनेल, आप उसे भी देखिएगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर, तो इसे भी आप जरूर देखिएगा। और आप बताइएगा कि ये वीडियो आज मैंने प्रयोग किया है, मतलब कि गूगल अर्थ का यूज करते हुए वीडियो बनाए, क्या मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपको कंटिन्यू करूं, कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।